दोस्तों लगातार आप इंतज़ार कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का। अगर देखा जाए तमाम तरह की बातें आपके बीच में आ रही हैं, लेकिन फाइनली जिसका इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन का, वह आपके बीच में देखने को नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है उसके पीछे क्या कारण है, कब तक आएगी भर्ती, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कुल पदों की अगर हम बात करें तो लगभग 58,000 पदों का नोटिफिकेशन आपके बीच में आना है, लेकिन इंतज़ार करते करते आप एकदम थक चुके हैं। देखा जाए आप देख भी पा रहे हैं कहा जा रहा है नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। अब आपके मन में इस तरह की बातें आने लगी हैं कि अभी तक आप कह रहे थे कि भैया कब तक आएगा, लेकिन अब कुछ लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि आखिरकार नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। और नीचे यहाँ भर्ती करेगी चुनाव में उलटफेर, ये चीज़ें तो 100% सत्य है कि जो यूपी पुलिस का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, अगर भर्ती नहीं आती है तो ये चुनावी वर्ष में, यह जो अगला चुनाव आपके बीच में है, ठीक है, यह चुनाव में कहीं ना कहीं बला उलटफेर जरूर करेगी। अभी इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। और यहाँ लगातार अभ्यर्थियों की मांग है कि मुझे 5 वर्ष की छूट दी जाए। क्यों? क्योंकि पिछले कई वर्षों से आपके बीच में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखने को नहीं मिली है। अभी इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कैलेंडर कब जारी होगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में एक पेपर कटिंग हम दिखाना चाहेंगे। देखिए पेपर कटिंग आपके बीच में लगी है, सबसे ऊपर कहा जा रहा है सिपाही भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पुनरुद्धार बोर्ड की ओर से आयोजित पुलिस भर्ती पुलिस सिपाही भर्ती 2023 में प्रतियोगी छात्रों ने आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। आरक्षित प्रतियोगी अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णय में कोविड-19 से प्रभावित छात्रों को लाभ दिया है, 2018 के बाद आरक्षी का विज्ञापन नहीं निकला है। अब अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। सोमवार को अभ्यर्थियों ने आजाद पार्क में बैठक की, मुख्यमंत्री से उन्होंने आयु सीमा में 5 साल की छूट देने की गुहार लगाई है। बैठक में प्रभात पांडे ये सब लोग मौजूद रहे हैं। अगर देखा जाए भर्ती तो आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी उस आस में बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल हमारे बीच में भर्ती आएगी और हमें 5 वर्ष की छूट चाहिए। जाहिर सी बात है यहाँ नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा नोटिफिकेशन तो 100% आएगा, ये चीज़ें सत्य है। लेकिन अब चुनाव से पहले आपकी इस भर्ती की परीक्षा होगी या नहीं होगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। क्योंकि मैंने यहाँ बताया है नोटिफिकेशन के बारे में, तो मैंने बता दिया नोटिफिकेशन 100% आएगा, ये चीज़ें सत्य हैं। लेकिन अब ये जो है चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए परीक्षा करवाते हैं या नहीं करवाते हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता। लोग भले ही कह दें कि परीक्षा हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परीक्षा होगी, चूँकि यह जो भर्ती होगी यह एक चुनावी मुद्दा बनेगी और यही कहकर प्रचार किया जाएगा कि जितनी भी भर्तियाँ फंसी हैं जैसे ही सरकार बनती है, बिल्कुल फैक्ट चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही जो है चुनाव खत्म होगा तत्काल आपके बीच में भर्तियां ये करा दी जाएंगी, ठीक है, और ऐसा ही चुनाव आपके बीच में देखने को मिलेगा। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं ये चुनाव में एक बड़ा उलटफेर जरूर करेंगे, ये 100% सत्य है। क्योंकि अभ्यर्थी लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो भर्ती तो देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, इसलिए लगातार अगर देखा जाए तमाम नोटिफिकेशन निकलते हैं, कभी परीक्षा का नोटिफिकेशन, कभी भर्ती चयन एजेंसी का नोटिफिकेशन, लेकिन आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस भर्ती का कब तक आएगा, फिर भी कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आयु में 5 वर्ष की छूट का जहाँ तक प्रावधान है आपने देख ही लिया कि लगातार अभ्यर्थियों की आस लगी हुई है कि मुझे 5 वर्ष की छूट मिलेगी। कैलेंडर हर वजह से SSC UP SSC कैलेंडर जारी करता है, सेम कंडीशंस यूपी पुलिस की भी होगी। हालांकि अभी ये देखना तय है कि भर्ती आपकी कब तक आएगी, ये चीज़ें किसी के पास क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा जो है एक महज अगर कहा जाए, एक उम्मीद जताया जा रहा है कि चुनाव से पहले आपके बीच में भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है, फाइनली। लेकिन कोई मंथ ये क्लियर नहीं है कि इसी मंथ में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालाँकि अगर ऐसी कोई सूचनाएँ होती हैं तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया
हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।